अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। और चलिए, जिस वजह से मैं जाना जाता हूँ वो सिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज सिखाता हूँ दुहत्ता लाठी कैसे चलाएं। ओके, इसका नाम ही मैंने रखा है दुहत्ता लाठी, हमारे गांव में यही बोला जाता है। तो दोनों हाथों से लाठी को कैसे घुमाएं, जो भीड़ में अगर आप घुमा दें तो पूरी भीड़ को फाड़ सकते हैं। 15-20 तो आराम से अकेले आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा का तो पता नहीं, लेकिन 15-20 को देख सकते हैं अगर आप इस तरह लाठी घुमाने लग गए भीड़ में। तो पोजीशन क्या है, आपको इस तरह पकड़ना है। ओके, इस तरह। तो ये मेरा बायां पैर है, बायां पैर को आगे मैंने किया है, ठीक है, दायां पैर मेरा पीछे है, मैंने इस पोजीशन पर पकड़ा है। पोजीशन क्या है, ये मेरा बायां हाथ है, बायां हाथ को मैंने आगे की ओर रखा है, दायां हाथ को पीछे की ओर रखा है। ओके, इस तरह पकड़ा है इस पोजीशन पे, ठीक है। अब आपको आप पकड़ना किस तरह ये भी देख लीजिए, पकड़ना बीच में नहीं है, आपको लाठी के किनारे में पकड़ना है। ओके, ज़्यादा किनारे भी नहीं, ये देख लीजिए 6 फीट की अगर लंबाई है लाठी की, तो मिडिल की जगह, मिडिल से और 2 भाग का मिडिल कर दीजिए, वहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। ज़्यादा किनारे भी नहीं पकड़ सकते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं, तो इतना दूर में पकड़ना है, ये देख लीजिए। ओके, पकड़ने के बाद जो मैंने बता दिया बायां दायां कौन हाथ है कौन पैर है मेरा, समझ गए होंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार सर के ऊपर घुमाना है, ठीक है, सर के ऊपर की ओर घुमाते हुए आगे बढ़ना है, ये जो दायां पैर है ना उसको आगे की ओर करना है, इस तरह घुमाते हुए आगे की ओर बढ़े और ज़मीन पर पैर को रख दें, और सर के ऊपर घुमाते हुए जो ज़्यादा वाला हिस्सा है लाठी का उसको आप कमर की तरफ ले लें यहाँ पे। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको वापस वही पोजीशन में जाना है जहाँ आप आए थे, बैक करना है उसी तरह, पीछे मुड़ना है ये, और इस तरह वापस चले जाइए, और जो बाहरी वाला हिस्सा ज़्यादा है उसको बाहर तरफ ही रहने दें, और एक हाथ से ऐसे करें पोजीशन में दम। ओके, इसको मैं स्पीड में करके दिखा दूँगा, अभी माइक है, स्पीड में करूँगा तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो धीरे धीरे पहले बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये वाला एक पैतरा। दूसरा पैतरा घुमाने का है, ये भीड़ को संकेत देने का है कि मैं आ चुका हूँ, मुझसे लड़ना मत, मेरे हाथ में लाठी है। ओके, ये संकेत देने का है ये पैतरा। दूसरा फिर घुमाना कैसे आपको, ये देखिए, इसी पोजीशन पे रहिए, जिस तरह पकड़ना बताया था मैंने उसी तरह पकड़ना है, इस पोजीशन पे। एक बार इधर घुमाना है जो ज़्यादा वाला हिस्सा है, एक बार इधर लिए, एक बार इधर लिए, लेने के बाद अब सर के ऊपर घुमा करके, अब एक ही जगह में वही चीज़ को जो मैं पैर बढ़ा करके आगे किया था, पैर को बढ़ाना नहीं है, खाली सिर्फ बॉडी को आपको दाएं बाएं करना है। ओके, इस तरह, जैसे आप नाव चलाते हैं ना, नाव तो इस तरह पकड़ के चलाते हैं ना, समझ लीजिए नाव चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, तो वही प्रोसेस को करना है, थोड़ा सा इसमें अलग है, बीच में पकड़ के नाव इस तरह चलाते हैं, उस तरह नहीं करना है, बीच की जगह आप किनारे में पकड़िए। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये हाथ जो मेरा दोनों सीधा है ना, इस हाथ को सिर्फ उल्टा कर दीजिए, एक बार इधर का नाव का पानी लीजिए, आपको आगे बढ़ना है, बस एक बार इधर करना है, फिर एक बार इधर करना है, एक बार इधर करना है, एक बार इधर करना है, इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद तीसरा पैतरा मैं बता रहा हूँ। ऐसे से जब हो जाएगा, ऐसे से हो जाएगा, 2-3 बार कर लीजिएगा, 4-5 बार कर लीजिएगा, हाथ में आपके बैठ जाएगा ये वाला स्टेप। उसके बाद जो एक दो के बाद जो आता है, फिर एक बार ऐसे लीजिए और सर के ऊपर घुमा दीजिए, ठीक है, जोर से पकड़िए इस तरह, संकेत देने के लिए उसे, जो भी आपको भीड़ में घेरा हुआ है। ओके, तो उम्मीद है ये वाला पैतरा आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं अभी स्पीड में घुमा के दिखा दूंगा। तो और भी बहुत सारे लाठी के पैतरे हैं जो मैं सिखाऊंगा, दोनों हाथों से बीच पे पकड़ पे के कैसे घुमाना है, बहुत सारे पैतरे हैं। अभी तो मैंने शुरुआत की है, YouTube चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो डाला था, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो अब मैं और भी वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं,
तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है, मुझे तो कुछ सोच के किया है कि इसकी वीडियो अच्छी होती है, इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं अगर वीडियो ही नहीं डालूँगा तो फिर आप लोग अनसब्सक्राइब भी कर दोगे। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वीडियो और भी बनाऊँ, और भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे लोग और जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे लोग सीख सकें जो मुझे आता है, जो मुझे समझ में आता है। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि बताऊँ इस तरह की लोगों के दिमाग में अट जाए, और मैं जो मुझे जो आता है वो भी लोग सीख पाएँ और कर सकें। तो फिर कुछ नए स्टेप के साथ आऊँगा, लाठी के पैतरे के साथ भी आ सकता हूँ, या फिर मैं डांस के स्टेप बताने के तरीके में भी आ सकता हूँ, या फिर मोदी जी का अभी कोरोना वायरस के लेकर के चल रहा है तो कोरोना वायरस की कॉमेडी भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे मिमिक्री आती है, मैं 40 सेक्टरों की आवाज़ में बातें कर सकता हूँ। तो मैं कुछ कॉमेडी वीडियोज़ भी लाऊँगा। कोरोना वायरस से सावधान रहे दोस्तों, घर पर ही रहें और ज़्यादा चीज़ को ना छुएँ, बाहर ना जाएँ, ज़रूरत हो तभी बाहर जाएँ खाने पीने की सामान लेने के लिए। और याद रहे, मैंने पढ़ा था गूगल पे, नेट पे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा 24 घंटे में ही ज़िंदा रहता है कोरोना वायरस, तो 24 घंटे वो भी पोलोथीन में, बाकी लकड़ी में इसका वायरस जो है 4 घंटे ज़िंदा रहता है, लोहे पे शायद 3 या 4 घंटे, मतलब सबसे ज़्यादा पोलोथीन में ज़िंदा रहता है इसका वायरस। तो दोस्तों 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। तो सोच के देखिए, अगर 24 घंटे की इसकी औकात है कोरोना वायरस की, तो हम अगर दो दिन अगर घर पे रहते हैं, कुछ छूते नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो वायरस हम में आ जाए, 48 घंटे होते हैं 2 दिन के, तो 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, इसकी औकात है 24 घंटे। तो अगर 2 दिन तक भी अगर हम घर में रहेंगे तो ये कोरोना वायरस हमारे इंडिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, बात मानिए, मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल के थक गए हैं, तो आप लोग भी इसका इनकी बात मानिए, और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर आपके परिवार में भी ये खतरा आ जाएगा, परिवार में खतरा आने के बाद उनके जरिए किनको फैलेगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहें और घर पे ही रहें और वीडियो बनाएं, क्या करिएगा, अभी तो और भी सुनहरा मौका मिला है, तो वीडियो बनाइए और देखिए जिस ऐप में पैसे मिलते हैं उस ऐप में ज़्यादा वीडियो बनाएं, कुछ आपकी आमदनी हो सकती है। ये मेरा सुझाव रहेगा आपको कि देखिए जिस ऐप में आपको पैसे मिलते हैं, भागते चोर की लंगोटी सही, वो भी आ जाए तो कुछ भी आ जाए, तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, देखिए उन सब में जाइए, उनमें अगर पैसे हैं तो उनमें वीडियोस डालिए। तो मेरा ये सुझाव है आप लोगों के लिए कि घर बैठे हैं तो ये सारा चीज़ करिए, शायद आपको फ़ायदा हो, इससे कुछ पैसे की अर्निंग हो जाए। तो चलिए, मेरी बकवास इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। तो अपने कासिम जैक्सन को अभी इजाज़त दीजिए, बाय।